बलाचौर इलाके में चोरों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि वे बिना किसी पुलिस खौफ के रात के समय दुकानों घरों को निशाना बना रहे थे। वहीं दिन दिहाड़े ही रिहायशी मकानों को भी अपना निशाना बनाने लग पड़े हैं। बलाचौर नगर कौंसिल के वार्ड नंबर 5 में एक अध्यापक और उनकी पत्नी अध्यापिका के घर को चोरों ने निशाना बनाया। मोटरसाइकिल सवार चोरों ने घर में दाखिल होकर करीब 60,000 रुपए की नकदी और 12 तोले सोने के आभूषण चोरी करके आराम के साथ फरार होने में सफल हुए। हाँ जी मास्टर जी, जी अज थोड़े चोरी हुई है ये बारे दस्सो। असी जरा अपने ड्यूटी टाइम के शेड्यूल मुताबक जरा 7:30 बजे स्कूल ड्यूटी पर चले गए, तो उस उपरंत जरा सी ड्यूटी के उपरंत सानू ही पता लगा 12:30 बजे के साढ़े गुआढ़ के जोड़े साढ़े रेंदे ने उन्होंने सानू दसिया कि थोड़े जोड़ा बहर वाला गेट है वो खुला है। कि मैं उस वक्त अपनी पत्नी फोन किया कि तुम ड्यूटी पर है, वो कहते मैं ड्यूटी पर है। फिर जो इस गल का मैं शक पिया तो उन्होंने मैं उस तुरंत उस वक्त कहा कि जाके देखो। उन्होंने जो देखा कि सारा जो समान सगा घर का वह खिल रहा पाया। कि नुकसान किन्ना का कुछ पता लगे जोड़े से दो जोड़े स चैनी सैट से वे एक हार सगा तो टॉप से 5 जोड़ियाँ 60,000 रुपया जोड़ा सगा नगद कैश से जोड़ा वो सी घर जोड़ा सारा कुछ लै गए है। कुछ होर जोड़े एफ टीज वगैरह है वह भी वो नाल ही लै गए। लगभग किन्ने का है? लगभग 5.5 लाख रुपए का जान नुकसान हो गया है। मौके पर पुलिस आ चुकी है तो उन्होंने सानू विश्वास दिलाया है कि जी है कार्रवाई तुरंत जी है की जाएगी तो चोरों जी फड़न की कोशिश करा। सीसीटीवी फुटेज भी देखी है? हाँ जी बिल्कुल देखी है जी। वो जोड़े 5 बंदे है वो फुटेज जी है पुलिस वाले दे दी गई हैगी है तो वह पल्सर मोटर से और एक जड़ा पैशन सगा वो उपर आए है और बेखौफ होकर जड़ा उन्होंने इस घटना अंजाम दिता है। तो मेरी प्रशासन अगे भी बेनती हैगी है कि दिन प्रति जड़िया ये लुटा खूह हो रही है तो उन्होंने जोड़ा एक समाज के लिए सानू दुर्लभ कर दिता है तो इनू लगाम पाने की जरूरत हैगी है। समय दरकारों भी योजना गलों वाल बहुत ध्यान देने की जरूरत है। बलाचौर से तेज प्रकाश खासा की रिपोर्ट।